हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने निमसेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे उनमें से सबसे पहले आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आता है आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर रैंक अलॉटमेंट, मतलब आप रैंक अगर आप चाहते हैं तो फिर रैंक के लिए क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, आपके पास टोटल कितने NITs हैं, उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आपका 2019 का क्या कट ऑफ था उसके बारे में हम बात करेंगे, और आपकी स्लिप आपके जो अवार्ड ऑफ मार्क्स है मतलब जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहले आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बस आप इतना याद रखें कि अगर आपने BSc किया है, BCA किया है या फिर BSc ऑनर्स किया है, BSc में प्लेन BSc भी चलेगा, आप मैथ प्लेन BSc करते हैं या फिर BSc मैथ से होता है आप उससे करें, BSc अगर आप करते हैं BSc बायो अलाउ नहीं होगा, अगर आपने BSc बायो से किया है तो फिर आप अलाउ नहीं करेंगे आपको वो, ठीक है, पर BSc या फिर BSc ऑनर्स किया है आपने, BCA किया है या फिर आपने BIT बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप ये करते हैं, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस वोकेशनल सॉरी माफ़ी चाहूँगा बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स अगर आपने कुछ किया है तो फिर उसमें भी आपको मिल जाएगा। वोकेशनल कोर्स में आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होना चाहिए आपका स्ट्रीम, वो भी 3 साल की डिग्री, अगर आपकी 3 साल की डिग्री नहीं है तो फिर आप अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बी या फिर बीटेक किया मतलब इंजीनियरिंग की है किसी कॉलेज से तो भी आप NIMCET 2020 के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। दूसरा क्राइटेरिया है हमारे टेस्ट पैटर्न का। ठीक है, तो देखिए टेस्ट पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपके पास मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में आपके 40 आएंगे, कंप्यूटर में आपके 10 और इंग्लिश में आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, सारे MCQ पैटर्न में होंगे, टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस आएंगे। तो और मैं बता दूं ये पूरा जो एग्ज़ाम होगा आपका ये होता है आपका 480 मार्क्स का और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर मैथ के, 4 रीजनिंग और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, 4 नंबर आपके कंप्यूटर के और 4 नंबर इंग्लिश के। ये सिर्फ पैटर्न होता है, बाकी अलॉटमेंट इस टाइप से नहीं होगा, मतलब 480 मार्क्स पे अलॉटमेंट नहीं होता है, वो अलॉटमेंट जो होता है वो 1000 मार्क्स होता है, उसके बारे में हम अभी लास्ट में बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे टोटल NITs के बारे में हम जानते हैं। देखिए हमारे पास टोटल NITs होते हैं 10। ठीक है, और उनमें टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती है 871। तो आप देख सकते हैं हर NITs में कितनी है, ये OP मतलब है जनरल, ठीक है, OP PW मतलब जनरल, और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, और जो फिर EWS है वो है आपका इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो है, और EWS PWD जो है वो है इकोनॉमिक वीक सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप, ये दोनों मिला के उन सब के बारे में आपको सीट दिख रही होंगी। OBC के बारे में, OBC के लिए कितनी सीट्स है, SC में कितनी है और ST में, सभी आपको यहाँ दी हुई है। टोटल आप देख सकते हैं कि अगरतला में टोटल सीट्स है आपकी 30, उसके बाद आपके पास मेरिट अलाहाबाद में है 116, आपके पास मेरिट भोपाल में 115, फिर कैलीकट में 58, जमशेदपुर में 115, कुरुक्षेत्र 2 है, एक कुरुक्षेत्र और एक सेल्फ फाइनेंसिंग, दोनों को मिला आप देख सकते हैं एक में 64 और एक में 32 है। उसके बाद आप रायपुर में देख सकते हैं 110, सूरत कल में है आपके पास 58, तिरुचिरापल्ली में 115 ज़रूर आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें मैं बता दूं कि त्रिची में जो सीट होती है उसकी 50% सीट्स तमिलनाडु के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, मतलब आपको सिर्फ इसकी 50% सीट्स ही अलाउ की जाएंगी ऑल ओवर इंडिया से, बाकी 50% वहाँ के लोकलाइज बच्चों के लिए होती है। उसके बाद आप आएंगे वारंगल, वारंगल में भी आपके पास 58 सीट्स अलॉट की जाती हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगला जो क्राइटेरिया आता है वो आपका आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ रैंक। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल जो पेपर होता है वो होता है आपका 480 मार्क्स का। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर चलता है, फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो फैक्टर का क्या करते हैं, जैसे अगर आपका एक मैथ का क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है तो उसमें फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो वो मार्क्स एक क्वेश्चन मैथ का आपका कितने का हो जाएगा, 12 मार्क्स का। ठीक है, 4 into 3 करेंगे तो आपका एक मैथ का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका 12 मार्क्स का। ऐसे अगर आपके मैथ के 50 क्वेश्चन हैं तो टोटल मैथ का जो वेटेज हो जाता है वो होता है आपका कितने का, 600 का, 50 क्वेश्चन के आपको 600 मार्क्स मिलते हैं, उसमें से आपकी मार्किंग निकलती है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए क्या होता है कि एक मार्क्स आपका जो एक क्वेश्चन होता है
वो तो 4 नंबर का ही रहता है, लेकिन उसमें जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो था आपका 1.5 का, ठीक है। तो मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग का 4 नंबर का है, तो फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद वो हो जाता है 6 मार्क्स का, मतलब रीजनिंग के एक क्वेश्चन पे आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें आपके 240, मतलब टोटल 84% तो आपका यहीं पे कवर हो जाता है, जो मैंने कल लास्ट जब बुक का रिव्यू किया था जब भी बताया था आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का एक टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और 10 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का, और उसका फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो 2 से, तो हो जाएगा 8 मार्क्स, मतलब कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन है, इसलिए टोटल वेटेज होगा कंप्यूटर का 80 मार्क्स का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, और उसका फैक्टर जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 का, तो टोटल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलते हैं 80। तो इस तरह से आपका टोटल 1000 मार्क्स का पेपर होगा, जिनमें से 600 आपका मैथमेटिक्स, 240 रीजनिंग, 80 कंप्यूटर एंड 80 आपका इंग्लिश का रहता है। और रैंकिंग जो अलॉटमेंट होता है वो इसी पे होता है, इसी टाइप से। तो मतलब अगर आप रैंक का सोचते हैं, तो अराउंड जिसके भी मार्क्स 600+ या 700+ आते हैं, अच्छी रैंक स्कोर करता है वो। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है आपका 2019 में निमसेट का जो कट ऑफ आया था वो कैसा आया था। देखिए, कट ऑफ में अगर मैं बात करूँ तो NIT त्रिची जो है, जो आपके टोटल 10 NITs हैं, उनमें सबसे टॉप का माना जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल वालों की जो रैंक गई थी वो 34 रैंक क्लोजिंग है, मतलब 34 रैंक जिसकी थी वो जनरल पे क्लोजिंग हुआ है उसका, ठीक है। और OBC के लिए वो आपका गया है 174, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं NIT अगरतला वो है आपका 662, NIT इलाहाबाद जनरल के लिए 213, भोपाल 315 जनरल, कैलीकट आपका 261 था, रैंक है ये जी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दे ऑल आर रैंक है ना, जितनी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी रैंक है। NIT वारंगल टॉप रैंक 97 रैंक तक जनरल वालों की जिनकी थी उन्हें NIT वारंगल मिला है। उसके बाद NIT दुर्गापुर 467, NIT जमशेदपुर 511, NIT कुरुक्षेत्र 445 और NIT रायपुर 639। ये सारी जनरल की रैंक है, और OBC की आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट पे लिखी हुई है, NIT अगरतला 1711, OBC, उसके बाद NIT इलाहाबाद 576, NIT भोपाल 834, NIT कैलीकट 641 और NIT त्रिची 174, NIT वारंगल 300। उसका लास्ट जो 4 है वो आप देख सकते हैं पूरे 1000 से ऊपर है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं NIT के, तो सबसे पहले आप रखेंगे त्रिची को, सेकंड वारंगल, थर्ड आपका सूरत कल होगा, फोर्थ आप इलाहाबाद NIT इलाहाबाद रखेंगे, फिफ्थ आपका भोपाल आएगा, देन कैलीकट, फिर आप जमशेदपुर, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर और लास्ट में अगरतला आप इनको रख सकते हैं, ठीक है। आप रैंकिंग वाइज इनके लिए बता रहे हैं। अब हमारे पास टोटल 871 जो सीट्स हैं वो किस टाइप से आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलेंगी, ये आपका क्राइटेरिया था।